नमस्कार। चलिए आज मिलते हैं DITF में आज की मुलाकात के अंदर मिस्टर अभिषेक पुरी। How are you? Nice to meet you. अभिषेक पुरी इज ए पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स एंड द वेल्थ मैनेजमेंट। और आज के तारीख में हमने DITF ने ये सोचा कि लोगों को जब स्टॉक एक्सचेंज चरम सीमा पे है तो हाउ डू वी क्रिएट वैल्यू, हाउ डू वी क्रिएट वेल्थ। तो मैं चाहता हूँ कि आज आप हमारे सभी देखने वालों को वेल्थ कैसे क्रिएट किया जाए और खास करके हमारे जवान जो यंग बच्चे हैं उनमें हाउ डू वी क्रिएट दैट वैल्यू, और म्यूचुअल फंड होता क्या है। और उससे पहले थोड़ा सा आपके बारे में भी अगर आप जर्नी बताएं कि हाउ डिड यू स्टार्ट, कैसे किया आपने। वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर योर लवली इंट्रोडक्शन। I am Abhishek Puri and I am heading my firm Innoble Wealth Management, headquartered in Nagpur, and we also serve in Bombay also. Our journey started in 2014 when we and along my friends were heading a wealth management company. So we started as a wealth management company started with mutual funds. Thereafter we ventured into more wealth products like invoice discounting, debt products, bonds, mutual funds, equities and many more products. तो ये आपकी कंपनी है ना, सारी चीजें करती है। हाँ जी। तो वी हैव, बिकॉज़ वेल्थ में सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट से वेल्थ क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट टू स्टार्ट विद एक हैबिट डालने के लिए म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट टूल। जस्ट अगर हम म्यूचुअल होता क्या है वैसे? ओके, सो म्यूचुअल फंड होता क्या है, इट्स अ कलेक्टिव पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो फॉर सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है, उसमें एक स्पॉन्सरर होता है। सो बेसिकली अगर सरल भाषा में बताऊं जो सबको समझाने के लिए, कि एक पूल होता है जिसमें वो पूल के में जो आप लोग कलेक्टिवली पैसा डालते हैं एंड वो पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। वो स्टॉक मार्केट अंडरलाइंग एसेट जो होती है वो आपके शेयर्स होते हैं। तो जैसे अपन ने 10 आदमी मिले, हाँ जी, तो आप 10 आदमी से सपोजिंगली 1-1 लाख रुपया लिए, हाँ जी, तो 10 लाख रुपया फिर आप शेयर्स में डालेंगे, हाँ जी, जो हमारे बिहाफ पे, करेक्ट। सो आपका जो पैसा है वो जो फंड मैनेजर होगा जो कंपनी ने अपॉइंट किया है वो आपका पैसा मैनेज करेंगे। जो रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं वो आपका पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं एंड दे टेक द डिसीजंस कि कब कौन से स्टॉक में पैसा डालना है, कब उससे एग्जिट लेना है। सो उस बेसिस पे फंड मैनेजर्स का परफॉर्मेंस गवर्न होता है। तो ओके, तो इसमें ये भी है कि जो फंड मैनेजर वो अलग अलग सेक्टर्स के शेयर्स लेता होगा। एग्जैक्टली। सो उसमें भी एक अलग अलग लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है, फिर थीम बेस्ड होता है कि भाई मुझे FMCG कंपनीज में ही पैसा डालना है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में, या फिर मुझे फार्मास्यूटिकल थीम में ही पैसा डालना है। तो अलग अलग थीम, अलग अलग कैपिंग के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है सो यू कैन स्टार्ट विद अ सिंपल मल्टी कैप म्यूचुअल फंड जिसमें हर कैप के जो स्टॉक्स उसमें गवर्न रहते हैं। यू गेट अ टेस्ट ऑफ द ऑल द स्टॉक्स इन द इकोनॉमी जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो ये कोई आदमी अकेला करने जाए तो शायद दिक्कत होगी उसको ये सब करने। हाँ, मतलब शुरुआत में सो, बट इसलिए इट्स बेटर फॉर अ लेमैन या फिर जो कॉमन पर्सन है जो अभी अभी कमाना चालू किया है, जो नए ग्रेजुएट्स हैं जिनको भी जॉब लगा है। सो बेटर एक फाइनेंशियल एडवाइजर की आप एक कंसल्टेशन लीजिए या उनसे डिस्कशन कीजिए, देन ही विल बी द राइट पर्सन टू गाइड यू कि व्हाट इज योर रिस्क एपेटाइट और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही विल सजेस्ट यू द राइट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। तो इसमें ऐसा भी कुछ है कि 100 रुपए से भी कर सकते हैं, 1 लाख से करने, ऐसा कोई मिनिमम अमाउंट आप 1000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे हमारे, मतलब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, हमारे फादर, हमारे पेरेंट्स हमको बोलते थे कि सेव, पैसा बचाना सीखो, पैसा बचाने का एक हैबिट रखो, आप बड़े होगे तो आप लोग को पैसे की कीमत समझ में आएगी। तो आप 500 रुपए से भी, 1000 रुपए से भी, आप बेसिक अमाउंट से भी आप चालू कर सकते हो। यू नीड नॉट बी, आप जरूरी नहीं कि आप कमा ही रहे हो सकता है कि आपको पॉकेट मनी भी मिल रही है, आप 18 एज के ऊपर हो, देन ऑल्सो यू कैन स्टार्ट सेविंग बाय। उसमें आपके पास आने के लिए कोई फॉर्मेलिटीज हमको करनी पड़ती है? आप फॉर्मेलिटीज नहीं, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस और एनी फाइनेंशियल एडवाइजर नियर यू,
आप उनको जैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको बेसिक केवाईसी आप अपना प्रोवाइड करेंगे, आजकल सब डिजिटल हो चुका है केवाईसी। अच्छा, कितना टाइम लगता है इसमें? ज्यादा मैक्सिमम 10 मिनट्स लगते हैं ऑनबोर्डिंग करने के लिए। 10 मिनट आपका अगर केवाईसी, अगर आपका पैन कार्ड रजिस्टर्ड है सो इट्स फाइन, तो बस 10 मिनट्स में आपकी ऑनबोर्डिंग हो जाती है। बेसिक एक लिक्विड फंड अगर आपने 500 रुपीज का भी परचेस कर लिया ऑनलाइन आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू, देन आप अपना जैसे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देखे तो अभी तो एकदम हाइट पे है, इंटरेस्ट कॉस्ट लाइक 64,000 करेक्ट, शायद 3 या 6 साल में शायद ये डबल हो गया। Exactly, right. तो ये जो you really it is a good time actually, India is actually at the cusp of a very good breakout in next 5 years we can see, because manufacturing sector, if you see ki jo bhi worldwide जो भी companies को preference मिल रहा है, जो पहले China को मिल रहा था वो अभी actual में India को मिल रहा है। अच्छा, तो manufacturing sector boost हो रहा है, technological जो अभी बीच में COVID के बाद में आपको देखा जाए technological breakout आया है, जो technical जो companies है और जो आपकी ये क्या बोलते हैं TCS जैसी कंपनी है, विप्रो जैसी कंपनी, आउटसोर्सिंग, एग्जैक्टली, सो इन लोगों का जो आउटसोर्सिंग हो रहा है वो बहुत तो आपकी एनएवी ग्रेजुअली वो ग्रोथ के हिसाब से बढ़ती है। अच्छा, तो एनएवी उसका जैसे 10 लाख लोगों ने डाला तो 10 लाख का जो डिविडेंड आया जी वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, डिविडेंड ऑप्शन में होगा बट ग्रोथ ऑप्शन में नहीं होगा, वो ग्रोथ में हो जाएगा, मतलब इट विल कन्वर्ट इनटू इंक्रीज इन द शेयर वैल्यू। चलो आज मौसम भी सुहाना है, बिल्कुल कप कॉफी भी हो जाएगी। थैंक्स फॉर द कॉफी। थैंक यू। तो ये सही बात है कि आजकल के जमाने में अपने को बच्चे लोगों को ये बेटर है, राइट, और वी आर ए country where we have a young population, right, so I think we are in a right phase of exactly, so boss sir kitni difficulty hai registration aap logon ke paas aane mein karne mein kitna time lagta hai ki kisi nahi, ye to bahut easy, ye to government ne as SEBI ke madhyam se bahut easy kar diya hai layman ko approach karne mein mutual fund investments mein। पहले तो आपको एंट्री लोड भी लगता था, इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आपको यू हैड टू स्पेंड मनी फ्रॉम योर पॉकेट, जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते थे, समझो आप 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके 5 रुपीज या 2 रुपीज आपके कटते थे इन्वेस्ट करने के लिए, और आप बेचते थे तो भी आपके पैसे कटते थे। बट अभी एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड जीरो कर दिया है ऑलमोस्ट, बट एग्जिट लोड अभी भी 1 ईयर के अंडर में लगता है, अगर आप 1 ईयर के बाद एग्जिट करते हो तो एग्जिट लोड भी नहीं लगता है, तो इतना वो सेविंग हो जाएगा। हाँ, वो सेविंग हो जाता है, बहुत ईजी कर दिया है, एंट्री मैकेनिज्म एग्जिट मैकेनिज्म बहुत ईजी हो गया है। और इसके टैक्सेशन वगैरह में टैक्सेशन लॉन्ग टर्म सेम जैसे टैक्स में आपका स्लैब के हिसाब से 15% जो भी आपका लगता है, उसका स्टेटमेंट वगैरह आप हर क्वार्टरली देते हैं जी? रेगुलरली, मतलब जस्ट इन केस इफ अगर आपका डेट म्यूचुअल फंड है तो 6 मंथली आपको स्टेटमेंट्स आते रहेंगे, अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो जनरली इक्विटी जो अपन करते हैं तो 3 to 5 ईयर्स के पीरियड के हिसाब से ही करते हैं, तो एटलीस्ट ईयरली भी आपने अपना पोर्टफोलियो रिव्यू किया तो दैट इज सफिशिएंट, एंड पोर्टफोलियो मतलब आपको एनुअल स्टेटमेंट्स आते हैं सेबी की तरफ से भी। एंड कई बार देखा कि वो कंपनियां जी रातों रात खत्म हो गई, कई बार ब्रोकर भी होता है। करेक्ट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क होता है आपको बस ये देखना है कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट जो कर रहे हो वो अच्छी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में आप कर रहे हो। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का एयूएम साइज अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट 10,000-20,000 करोड़ के ऊपर का आप एयूएम साइज टारगेट कीजिए, एएमसी का, नॉट द फंड। फंड का 1,000 करोड़ के ऊपर का टारगेट कीजिए, कि 1,000 करोड़ के ऊपर का हो या 500 करोड़ के ऊपर का एटलीस्ट हो, सो दैट इट मेक्स कि वो फंड इज अ गुड क्वालिटी फंड। तो इसके डिटेल्स भी फिर यानी जी इन्वेस्टर उसको ही शुड बी आल्सो बी अवेयर, राइट, ही शुड बी अवेयर इन द सेंस बस कि भाई फंड मैनेजर कौन है और कितने साल से फंड चल रहा है, उसका एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो कम से कम होना चाहिए, तो जितना ज्यादा फंड साइज रहेगा उतना एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा। सो टारगेट फॉर दोज फंड्स जिनका फंड साइज थोड़ा ज्यादा है,
उस वजह से आपका एक्सपेंस रेशियो कम आएगा. आप जैसे यू आर कमिंग फ्रॉम नागपुर सिटी बट बहुत सारे मोफिजल एरिया, आप जो गांव में हैं, हाँ जो शहरों में हैं, उनके साथ आप कैसे, हाउ डू यू कनेक्ट विद देम? सो द बेस्ट थिंग ये हुई कि सिंस जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे, रिमोट एरियाज में आदित्य बिरले एएमसी हो गया या रिलायंस एएमसी हो गया, आप उनको समझाने जाएंगे तो उनको इतना नहीं आइडिया है. तो सबसे बेस्ट ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने LIC म्यूचुअल फंड भी चालू किया. सो उसमें LIC का एक ट्रस्ट पूरे भारत को है, तो उसमें आप LIC, आप ऐसे लोगों को अगर अप्रोच करना है जिनको थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर है या थोड़ा सा भरोसा करने में थोड़ा सा डीले हो सकता है, तो LIC म्यूचुअल फंड से चालू कीजिए, भले 500 रुपीज से चालू कीजिए, बट म्यूचुअल फंड वही रहते हैं, फंड मैनेजर्स अलग रहते हैं एंड उनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आपका वेल्थ क्रिएट करना ही रहता है, आपका आप जो आपका वेल्थ मैक्सिमाइज करने का ही अप्रोच रहता है. तो आप ऐसे जगह पे LIC म्यूचुअल फंड से अप्रोच चालू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट. सो बेसिकली आई थिंक इंडिविजुअल लोगों को हो सके तो इट इज बेटर दे स्टार्ट थ्रू म्यूचुअल फंड because it gives them expertise. Exactly. यानी आप लोगों के पास काफी expert fields है. Actually क्या, देखिए mutual fund एक आपको सेव करने का तरीका सिखाता है, right? अगर मतलब एक step by step approach, अगर मैं wealth maximization की बात करूँ या wealth management की बात करूँ, तो mutual fund एक पहली सीढ़ी है. आपने वो सेव करना चालू कर दिया तो कुछ पीरियड में आपको समझ में आएगा कि मेरी वेल्थ क्रिएट हो रही है. देन वो वेल्थ क्रिएट जो होगी, फिर उसके बाद आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे वेल्थ मैक्सिमाइज करने के, जो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में और आगे पॉडकास्ट में भी हम बात कर सकते हैं कि और कौन से एडवांस टूल्स हैं जिसको हम लोग अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं, जो आपको फिक्स रिटर्न, हायर रिटर्न भी देते हैं और सिक्योरिटी के साथ में. इसमें मोटा मोटी एक चीज समझे कि अगर स्टॉक एक्सचेंज ने जी 5 साल में डबल कर लिया है जी, तो म्यूचुअल फंड में भी जिस व्यक्ति ने सेव किया है जी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके भी फंड मोरलेस डबल हो जाए? बिल्कुल, आपका डिपेंड करता है, देखिए आपका जो म्यूचुअल फंड है वो अंडरलाइन क्या है, क्योंकि आप जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं ऐसे ही आप मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर ने बोल दिया कि इसमें डाल दीजिए वैसा मत डालिए, आप भी थोड़ा सा सोचिए और थोड़ा सा नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कि आपका अंडरलाइन इंडेक्स कौन सा है, बॉम्बे BSE है, निफ्टी है, या फिर समझ के चलिए जैसे मैंने पहले बात किया कि फार्मा बेस्ड कंपनी है या फिर FMCG बेस्ड कंपनी है. समझ के चलिए कि निफ्टी ने 5 साल में डबल हुआ, हाँ. लेकिन आपने फार्मा बेस्ड स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जो कि फार्मा बेस्ड स्टॉक्स फॉर एग्जांपल नीचे गिर गए, तो आप 5 साल में पैसा डबल नहीं कर पाएंगे, इनफैक्ट आपका 5 साल में पैसा गिर जाएगा. तो बेटर यह है कि आप जो निफ्टी और सेंसेक्स बेस्ड कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट कीजिए, तो आप इकोनॉमी के साथ चलेंगे. सो इट शुड बी लाइक ए बास्केट, बास्केट कि म्यूचुअल मल्टीनेशनल कंपनी हो, फार्मा कंपनी हो, राइट, वैसा ये इसे हो जा रहा है. तो अगर एक एक नॉर्मल पर्सन है जिसने अभी तक एंटर नहीं किया है, तो आई विल सजेस्ट कि आप सेंसेक्स या निफ्टी बेस्ड कंपनीज में मल्टी कैप अप्रोच से चालू कीजिए, और सो दैट यू विल कवर द एंटायर इकोनॉमी एट वंस, आप पूरी इकोनॉमी आप कवर कर लेंगे आपके फंड में. तो अगर सपोजिंग आप जैसे नागपुर जी से, तो बॉम्बे वाला व्यक्ति फिर आपसे अगर टच करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है. आप मतलब हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं. अच्छा, वेबसाइट है हमारी ये सब ऑनलाइन ही होगा? ऑनलाइन पूरा, किसी को आने की जरूरत नहीं है. अगर आपको मीटिंग करनी है तो हम लोग वेब मीटिंग करके आपका आपका पर्सपेक्टिव, आपका रिस्क एपेटाइट, आपको उस हिसाब से समझ के हम आपको आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके लिए क्या चीज बेटर रहेगी, और उस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं. तो आप फोन पे भी बात कर सकते हैं, आपकी वेब मीटिंग भी कर सकते हैं, और हम लोग बॉम्बे में भी हम लोग हमारा ऑफिस है, सो वी कैन कम डाउन टू बॉम्बे आल्सो. हमारे कई बच्चे लोग इसमें यंग होंगे, बिल्कुल, उनके लिए आप क्या राय देना चाहेंगे? बिल्कुल, आप लोग यंग हैं, सो यू कैन स्टार्ट अर्ली एंड दिस इज द राइट टाइम. जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा. Because remember, the power of compounding is the 8th wonder of the world, as we all know. Arithmetic progression or geometric progression. Exactly. So, जितना जल्दी चालू करेंगे, आपका जो target है रीच करने का, आप for example आपका retirement fund बनाना है कि आपका कोई एक 10-year fund बनाना है, तो आप जितना जल्दी चालू करेंगे, you will reach the goal faster and
द AUM विल बी बिगर, आपका जो वेल्थ है वो जल्दी मैक्सिमाइज होगा। एक 64,000 का करीब आजकल इंडेक्स चल रहा है, राइट right. आगे चल के आपको क्या लगता है इट कैन क्रॉस 1 लाख? डेफिनेटली अगले 5 years में आई फोरसी द इंडेक्स क्रॉसिंग 1 लाख इजीली, बिकॉज एक्चुअली जो डेवलपमेंट इंडिया में चल रहा है और जो फॉरेन रिजर्व्स आ रहे हैं उस हिसाब से वी आर बाउंड टू प्लस आई थिंक ये न्यू यूनिकॉर्न कंपनी स्टार्टअप में जो चल रही है, तो इंडिया एक्चुअली इज एट द कस्प ऑफ अ ब्रेकआउट। तो अब आपको ऐसा कभी कभी लगता है कि बोलते हैं कि मार्केट बहुत चढ़ गया है अभी नीचे जाएगा, अगर नीचे जाता भी है तो वो एक हेल्दी करेक्शन होता है, उसमें आप लोगों ने मतलब बिना डिस्टर्ब हुए एग्जिट ना करते हुए थोड़ा सा और अपन ने बाय करना चाहिए अगर अपनी एपेटाइट है तो, एंड बिलीव इन द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड 5 years के लिए आप इन्वेस्ट कीजिए, यू विल डेफिनेटली सी वंडरफुल रिजल्ट्स। तो एक व्यक्ति ने जिसने इन्वेस्ट किया उसको कितने परसेंटेज के बाद में एक बार बाहर आ जाना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका विजन 5 years का है, आपका टारगेट 5 years का है, तो आपने ये करना चाहिए कि 3.5-4 साल के अंदर आपने ये देखना चाहिए कि फंड अगर आपको 12-15% का रिटर्न अगर आपके पोर्टफोलियो में CAGR एनुअल बेसिस पे मिल गया है, तो 1 साल पहले या 1.25 साल पहले आपने एग्जिट होके डेट में शिफ्ट हो जाना चाहिए, सो दैट आपका कैपिटल जो मैक्सिमाइज हो गया है वो आपका सेव्ड है। तो डेट में लॉस होने के चांसेस? नहीं, डेट में लॉस होने के अगर आप ट्रेजरी फंड्स या फिर ऐसे कुछ लेते हैं तो अलग बात है, बट आप सिंपल ओवरनाइट फंड्स में फिर इन्वेस्ट कर दीजिए, या तो आज तो बैंक के भी इंटरेस्ट रेट्स बहुत अच्छे हो गए हैं, अगर आपको 1 साल पहले अगर आप स्विच आउट करते हैं तो बैंक में आप बैंक में या सेविंग्स में भी रख देंगे या फिर FDs में भी रख देंगे, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, कि अगर आप 1 साल पहले एग्जिट करके अपना फंड सिक्योर कर लें और उसको आप अपने लिक्विड फंड्स में रख लीजिए या तो आप FDs में रख लीजिए। वेल थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक्स फॉर योर टाइम सर। सो अभी आपने देखा पूरी साहब ने अपने को सबको बताया, मैं भी चाहता हूं कि अपन सब लोग एक सिस्टमेटिक प्लान से इसके अंदर अपने इन्वेस्टमेंट करें। लेट अस सिक्योर अवर फ्यूचर, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।